हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है। यार वीडियो को अंत तक देखते रहना, एंड ऑल्सो अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं से ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं मिथपैट के बारे में। तो भाई मिथपैट रिएक्ट करते हैं मिस्टर बीस्ट की वीडियोस पे। आप लोगों को यार पता होगा कि मिस्टर बीस्ट अभी के टाइम पे यार कुछ दिनों से अपने चैनल के ऊपर में थोड़े से डिफरेंट टाइप की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। लाइक पहले यार वो टाइप ऑफ कुछ चैलेंजेस वीडियो को अपलोड किया करते थे। लाइक यार उनके यार वीडियोज में हमें बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े प्लेन एंड ऑल्सो यार बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखने को मिलती थी। बट अगर आप लोग यार कुछ दिनों से मिस्टर बीस्ट के चैनल पे उनकी वीडियोस को नोटिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मिस्टर बीस्ट की वीडियोस यार अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिफरेंट आ रही हैं। एंड इसी चीज को भाई मिथपैट ने भी नोटिस किया। उन्होंने यार अपने माइथो वाले चैनल के ऊपर में अभी रिसेंटली यार ये वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो पर वो रिएक्ट कर रहे थे मिस्टर बीस्ट के इस डॉग वाली वीडियो के ऊपर जो कि अभी उन्होंने यार रिसेंटली अपलोड करी है। अब मिस्टर बीस्ट के यार वीडियो पे क्या कुछ रिएक्ट करते हैं मिथपैट एंड ऑल्सो उनके कंटेंट चेंजिंग के रिलेटेड क्या कुछ बात करते हैं, देखिए आप लोग। बहुत अभी अलग होने लगे हैं। पहले वो गाड़ियां दिखाता था, बड़े बड़े शिप्स दिखाता था। अब उसके वीडियोस में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियोस से अलग ही इमोशन होने लगा है। लाइक म्यूजिक भी चेंज हो चुका है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होने लगी है। लाइक पहले देखो सब ऐसे गेम्स होंगे, वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट लेजर मेज, फिर वो गाड़ियां दिखाएगा, फिर लंबोर्गिनी को फोड़ देगा। लेकिन आजकल उसके वीडियोस बहुत चेंज हो गए हैं। अच्छी बात है मिस्टर बीस्ट, डोंट वरी, व्यूज आएंगे तेरे को। एंड क्या आप लोग को भी यार ऐसा ही लग रहा है कि मिस्टर बीस्ट के यार वीडियोस कुछ यार दिनों से चेंज हो रही हैं? लाइक यार उनकी पहले की जैसे चैलेंजेस वीडियोस आती थी उसमें से यार काफी डिफरेंट वीडियोस आ रही है अभी के टाइम पे। तो आप लोग भी यार मेरे को कमेंट्स में अपने ओपिनियंस को जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं निज गमर के बारे में। तो अभी रिसेंटली यार निज गमर के पैर पर कुछ इंजरी काइंड हो गई थी, तो इसी चीज के रिलेटेड यार बात करते हुए निज गमर ने थोड़ा सा अपडेट दिया अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। उन्होंने भाई क्या कुछ कहा, देखिए आप लोग। तो सबसे पहले सब लोगों को मैरी क्रिसमस। और हाँ, लोग पूछ रहे थे भाई मैसेज कर करके कि आपका पैर कैसा है अभी। मेरा पैर अच्छा है, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ बर्फ को पैर में लेके। लेकिन या अभी मैं ठीक हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, इतनी चिंता करते हो आप मेरे लिए। और मैंने मैसेज पढ़े सबके, रिप्लाई नहीं किए लेकिन पढ़े मैंने सबके, ठीक है। तो थैंक यू उस चीज के लिए, और सेलिब्रेट करो क्रिसमस। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। अब आप लोग भी यार टोटल गेमिंग का फेस रिवील का वेट कर रहे हो गए, एंड ऑल्सो काफी सारे लोग यार अभी के टाइम पे टोटल गेमिंग के फेस रिवील का ही वेट कर रहे हैं। तो फाइनली अभी यार टोटल गेमिंग ने अपने फेस रिवील के रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट दिया कि उनकी यार फेस रिवील की वीडियो हमें कब तक देखने को मिल सकती है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया एंड वो कहते हैं सब कुछ लगभग रेडी हो चुका है फेस रिवील के लिए। 2023 का प्रॉमिस किया था, वो प्लान के हिसाब से पूरा होने ही वाला है। आपको जितना एक्साइटमेंट है उतना ही मुझे है। तो यार भाई टोटल गेमिंग के फेस रिवील का वीडियो यार हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही हमें भाई फाइनली देखने को मिल जाए। आप लोग यार कितने ज्यादा एक्साइटेड हो टोटल गेमिंग के फेस को देखने के लिए, मुझे भाई कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो भाई आशीष चंचलानी एक चीज पे काफी ज्यादा गुस्सा है। अब बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी के टाइम पे भाई आशीष चंचलानी अपने बॉडी एंड ऑल्सो अपने फिजिक पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी को काफी ज्यादा यार वो मेंटेन करके रहते हैं। एंड पहले यार आप लोगों को पता होगा कि वो काफी ज्यादा बल्कि दिखते थे, थोड़े से यार मोड़े दिखते थे, बट अभी के टाइम पर वो बहुत ज्यादा फिट हो गए हैं, उनकी तगड़ी वाली भाई बॉडी आ गई है। बट जो भी यार आशीष चंचलानी के फैंस है, जो भी यार उनकी ऑडियंस है, वो उनको भाई ये कह रही है कि भाई हमें मोटा वाला ही आशीष चंचलानी वापस चाहिए जो काफी ज्यादा बल्कि दिखता था। तो इसी चीज पर आशीष चंचलानी रिएक्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। वो क्या कुछ कहते हैं भाई, काफी ज्यादा उनका फनी रिएक्शन था, देखिए आप लोग। कितने प्यारे हो तुम लोग, यू नो मतलब तुम लोग मेरे को मैसेज करते हो कि आशीष भाई आप हमें ना मोटे ही अच्छे लगते थे। थैंक यू सो मच। जब मैं मोटा था तब ये कमेंट नहीं कर सकते थे, तब तो मुझे तुम लोग ने नहीं बोला कि आशीष भाई आप अभी मोटे हो, मस्त लग रहे हो। हाँ तब नहीं बोल सकते थे आप, हराम खो, तब नहीं बोल सकते थे। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। जब मैं मोटा था किसी ने मुझे नहीं बोला कि तुम मोटे अच्छे लगते हो, सब बोलते थे पतले हो जाओ। मेरे पप्पा के साथ फोटोज है उनके प्रोफाइल पे, उधर कमेंट पढ़ो जाके, अभी भी कमेंट है। अपने बच्चों को देखो, सांड हो गया सांड, इसको बोला पतला हो जा, फिटनेस में ध्यान दे। मजाक चल रहा है इधर, मजाक, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक चल रहा है। नहीं मैं आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो गुब्बारा हूँ। हाँ हवा डालो हवा निकालो, मोटे हो गए पतले हो जाओ, पतले हो गए मोटे हो जाओ। छोड़ रहा हूँ मैं सोशल मीडिया भाई। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो यार सौरभ जोशी ने अपना एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया है, यस, एंड जिसका नाम है भाई कुनाली। अब बेसिकली वो ब्रांड में यार होता क्या है कि वो यार बच्चों के लिए टॉयज वगैरह सेल करते हैं, एंड वो टॉयज थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप लोग को पता होगा वो जो पजल वाले टॉयज होते हैं, जिन टॉयज को भाई बच्चे खुद ही असेंबल करके बनाते हैं, वैसे ही यार एक ब्रांड को स्टार्ट किया है यार सौरभ जोशी ने। एंड उन्होंने यार अपने अभी कल वाली यार व्लॉग में इस चीज का अपडेट भी दिया था। एंड सौरभ जोशी ने आज अपने चैनल के ऊपर में यार जो व्लॉग को अपलोड किया है, उस व्लॉग में यार वो बताते हैं कि उन्होंने यार जो अभी न्यू ब्रांड लॉन्च किया है
है कुनाली के नाम से। वो ब्रांड यार काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लोग यार उनके ब्रांड से काफी ज्यादा यार चीजों को ऑर्डर भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा टॉयज को मंगा वगैरह भी रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा भाई इसके रिलेटेड देखिए आप लोग। बाय द वे गाइस, आज हमारा पहला प्रोडक्ट kunali.in पे रोबोटिक हैंड लॉन्च हो चुका है और मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, भाई इतने मस्त मस्त कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को, मेरा आइडिया मेरा इनिशिएटिव इतना अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए, तो थैंक यू सो मच। और भाई जब से लॉन्च किया ना 2-3 घंटे में ही भाई इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारे पास में, तो थैंक यू सो मच गाइस। आप भी बाय कर सकते हैं kunali.in पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रोबोटिक हैंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। गाइस मैं काफ़ी नर्वस था इसको लॉन्च करने से पहले कि लोगों को कैसा लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, बट भाई इतने सारे पॉजिटिव सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट के लिए। और जिन भी लोगों ने बाय किया ना तो उनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो काम करना है कि भाई बच्चों के लिए ड्रोन काफ़ी सही रहेगा, मतलब बच्चे खुद ड्रोन बनाएं और वो उड़े भी, कुछ कार्स वगैरह बनाएं, खुद ही बिल्ड करें और फिर उससे खेलें। आप भी सजेस्ट कर सकते हो गाइस। और ऐसे प्रोडक्ट्स है ना गाइस, बच्चों में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना इंटरेस्ट अभी से जागना शुरू जाता है। भाई लोग पूरे इंडिया से ऑर्डर कर रहे हैं, पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, स्टेट से, इवन इंडिया से बाहर से भी मेल्स आ रहे हैं कि हमको भी ऑर्डर करना है, अभी ऑप्शन नहीं है बट जल्दी ही हम वो भी ऑप्शन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मेल आ रहे हैं कि हमको भी चाहिए, हमको बल्क में भी चाहिए, तो हम सब कुछ वो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी तो मैं खुद ही ये सब कर रहा हूँ, मैं खुद भी देख सकता हूँ क्योंकि ये सब मैंने खुद ही बिल्ड किया है, तो मैं सीख रहा हूँ ना कि किस तरह से देखना है, किस तरह ट्रैफिक कितना आ रहा है सब कुछ। भाई इतने सारे लोग पूरे इंडिया से, इवन पूरे वर्ल्ड से वेबसाइट पे आ रहे हैं, जाके देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है। अगर सौरभ जोशी के रिलेटेड बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं गेमर फीड के बारे में। अब जैसे कि भाई आपको पता ही होगा कि कल था भाई संडे एंड गेमर फीड ने भाई एक बार बार भाई लिलीविल की लाइव स्ट्रीम नहीं करी। इसका रीजन भी भाई उन्होंने बताया, बेसिकली हुआ क्या कि जब यार वो अपनी लिलीविल की कल लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए तो उसके बाद में लाइक आधे घंटे बाद में ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में यार लाइव आए हुए थे और ऑल्सो उस लाइव स्ट्रीम में यार सौरभ जोशी भी थे यार गेमर फीड के साथ में। एंड ऑल्सो उसी लाइव स्ट्रीम में यार रिवील करते हैं गेमर फीड कि उन्होंने भाई लिलीविल की लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करी, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए आप लोग। दोस्तों तो मैं बता दूं, मैं इनके साथ हूं, सब इनकी वजह से लेट हुआ। अगर स्ट्रीम लेट हुई है तो इनका नाम रख दो सारे के सारे, सौरभ भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई, हमारा ना प्लान बना था मंदिर जाने का और हम लोग निकल गए थे, सोचो हम लोग 12 बजे निकल गए थे, और जल्दी निकलना था बट ठीक है लेट हो गए थोड़ा, 1 घंटे का रास्ता था आना जाना, 2 घंटा और आना जाना 2 घंटा मान लो, और मतलब 1 घंटे का आप मंदिर में पूजा वूजा करके आ जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ना वो सब। भाई ट्रैफिक, अभी अभी तुम्हें मजाक लगेगी, अभी मैं घुमाऊंगा और क्या दिखेगा तुम्हें, खाली रास्ता। अगर ये नेटवर्क पीछे जो था उसमें पकड़ जाते, मैं तुम्हें दिखाता कितनी ज़्यादा गंदे ट्रैफिक में था मैं। सौरभ भाई एक चीज़ सच्ची बताना, मैं आपको रुको, आप सच्ची बताना, मैंने आपको बताया था नहीं बताया कि मैं स्ट्रीम करूंगा ही करूंगा, कुछ हो जाए है ना, अच्छा जाते हैं, मगर आज संडे नहीं होता, आज लॉन्ग वीकेंड ना होता और कल क्रिसमस है वो ना होता, इसलिए हम अभी फंसे हुए हैं। वो ही ना भाई, जेन्युइनली मैंने इनसे बोल रखा था कि हम 4 बजे निकल जाएंगे, 5:30 बजे तक आप पहुंच जाएंगे घर पे, 1 घंटे का प्रेप लेके सीधे स्टार्ट कर देंगे स्ट्रीम। भाई मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, ट्रैफिक ऐसा हो रखा है, अभी तो खैर हम खड़े हैं यार, मैं मजाक नहीं करूंगा गाइस, यार मेरा इतना था मन था, पूरी तैयारी थी सब कुछ, वॉर की तैयारी थी, मेरे को बस रोनी की वहां जाके टुस्सी तोड़नी थी मुक्के मार मार के, सॉरी तलवार। अब अगर गेमर फीड के रिलेटेड बात चली रही है तो नेक्स्ट न्यूज भी भाई गेमर फीड के रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यार कि गेमर फीड जब अपने चैनल के ऊपर में यार कल लाइव करने के लिए आए हुए थे यार सौरभ जोशी के साथ में, एंड वो लोग यार कार से कहीं पर जा रहे थे, लाइक अपने घर वगैरह जा रहे थे, तो वहीं पर यार उन लोग के कुछ फैंस थे जो कि यार बाइक से उनको भाई रात के टाइम पे चेज कर रहे थे। एंड ये चीज यार देख के गेमर फीड बिल्कुल भी खुश नहीं थे उन लोगों से, उन्होंने भाई क्या कुछ कहा अपने लाइव पे देखिए आप लोग। अबे ये क्या गंदगी मचा रहे लोग, ये देख रहे हो तुम गाइस, ये देखो तुम यार, सफरिंग फ्रॉम पॉपुलैरिटी ब्रो। अभी रुक जाओ यहाँ पे, ट्रैफिक है यार, ट्रैफिक भाई लिटरली यार, बाइक वाइक में पीछा कर दे रहे यार लॉन्डे इनका, तुम समझ रहे हो, लड़कियां भी करती है एक बारी को समझ में आता है, लड़के पीछा जैसे ये देखो आप, जैसे ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये देखो कैसे गाड़ी लगा रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो आप जरा देख रहे हो दोनों को हरकतें, देख रहे हो आप, ये देखो कैसे कर रहे हैं, देख रहे हो रात के 7 बजे ये हरकतें देख लो तुम लोगों की, तुम देख रहे हो, ये देखो अब वो रुकवा रहे हैं,
भाई तुम एंड नेक्स्ट न्यूज़ में भाई गेमर फीड के रिलेटेड है। तो गेमर फीड ने आज अपने चैनल के ऊपर में न्यू व्लॉग को अपलोड किया जो कि भाई क्रिसमस स्पेशल व्लॉग था। एंड यार मेरे भी साइड से यार आप लोगों को सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस। अब बेसिकली होता क्या है कि इस व्लॉग में यार वो नीडी पीपल्स को काफी ज्यादा यार जरूरत की चीजें यार गिफ्ट वगैरह कर रहे थे क्रिसमस के यार ईव पे। तो इसी चीज पे यार गेमर फीड की जो ऑडियंस है वो उनको ये कह रही थी कि भाई आप ऐसे काम जो है वो सारे फेस्टिवल्स पे किया करो। तो इसी चीज पे यार गेमर फीड रिएक्ट करते हैं उसी वीडियो के पिन कमेंट में। वो कहते हैं दोस्तों जितने भी लोग बोल रहे हैं सारे फेस्टिवल में भी कुछ किया करो, हमने 50,000 की चैरिटी की थी इस दिवाली, लोकल से सामान लेके सब पे यार नीडी पीपल्स के हेल्प वगैरह किया करें। तो वो यार दिवाली के भी दिन 50,000 के ऊपर की चैरिटी यार किए हुए थे ऑलरेडी, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं पीजे एक्सप्लेन के बारे में। तो भाई पीजे एक्सप्लेन का एक सब्सक्राइबर काफी ज्यादा वाइल्ड चला गया। बेसिकली हुआ क्या कि यार उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको एक कमेंट किया था। बेसिकली वो बंदा कहता है गाइस मैं पीजे से रियल लाइफ में मिला था एंड मैंने उनसे फोटो मांगी तो उन्होंने मेरे मुंह पे मारा, मुझे पुश किया मेरे फेस के ऊपर एंड मेरा फोन लेके मेरे फोन को ही तोड़ दिया जस्ट लाइक अ विलन। अब इस चीज पर पीजे एक्सप्लेन ने भी रिएक्ट किया, वो हंसने वाला इमोजी देते हैं भाई, आप लोग देख पाओगे लिटरली भाई ये वाला सब्सक्राइबर अलग यूनिवर्स में जी रहा था। एंड इसी वाले स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए पीजे ने एक ट्वीट भी किया था, आप लोग देख पाओगे एंड वो कहते हैं डूड WTF। बाकी आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात लेते हैं कोरियन टिकटॉकर सियोवॉन जोइंग के बारे में। एंड आप लोग भी यार इन्हें जानते होंगे, अगर आप लोग यार रेगुलरली रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो तो आपको पता होगा कि इनकी यार रील्स वगैरह काफी ज्यादा वायरल जाती है एज अ मामाज बॉय, लाइक ये मामाज बॉय का यार रोल वगैरह प्ले करते हैं। तो भाई इनके ऊपर यार एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है कि भाई उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है किसी को, उनके ऊपर भाई चार्जेस लगे हैं। एंड अभी ये चीज यार पूरी तरीके से भाई कंफर्म नहीं हुई है, बट यार जब भी कंफर्म हो जाएगी यार मैं आपको बता दूंगा। एंड ऐसा यार रिपोर्ट कोरिया से ही आ रहा है कि उन्होंने यार ऐसा कुछ किया है। इसके रिलेटेड मेरे को और भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं खतरनाक ईशान के बारे में। तो भाई खतरनाक ईशान ने यार स्पॉटिफाई को काफी गंदे तरीके से ट्रोल कर दिया। आप लोगों को भाई पता होगा अभी के टाइम पर स्पॉटिफाई को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है बिकॉज भाई स्पॉटिफाई पे एड्स बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं। अगर आप लोग स्पॉटिफाई को परचेज नहीं करते, उसकी प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेते तो भाई आपको एड ही सुनना पड़ेगा गाने से ज्यादा। तो भाई यार स्पॉटिफाई को ट्रोल करते हुए खतरनाक ईशान ने एक ट्वीट किया था, स्क्रीनशॉट वो शेयर करते हैं स्पॉटिफाई का, जिसमें वो लिखते हैं स्पॉटिफाई इज बेटर। बेसिकली यार वो थोड़ा सा यार टॉन्ट वगैरह मार रहे थे उसी चीज पे, जिस पर उनका एक सब्सक्राइबर रिप्लाई करता है, वो कहता है सॉरी ब्रो यूट्यूब म्यूजिक इज चीपर एंड बेस्ट। तो इसी पर खतरनाक ईशान रिएक्ट करता है, वो कहते हैं दैट्स व्हाई लुक एट रेटिंग्स। आप लोग भाई देख पा रहोगे स्पॉटिफाई की भाई रेटिंग अभी के टाइम पे 1.8 स्टार हो गई है, लाइक काफी कम हो गई है। आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है एंड क्या आप लोग को स्पॉटिफाई पसंद है या फिर भाई बेकार लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात करते हैं यस स्मार्ट पाई के बारे में। तो भाई स्मार्ट पाई को यार इस्लाम रिलीजन से थोड़ा सा हेट मिल रहा है। बेसिकली हुआ क्या सारी चीज को मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली यार स्मार्ट पाई ने अपने स्मार्ट पाई शॉर्ट्स वाले चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो को अपलोड किया। तो बेसिकली यार होता क्या है कि स्मार्ट पाई की इस वीडियो में यार उनको एक मीम दिखता है जो कि यार थोड़ा सा इस्लाम के रिलेटेड था, लाइक वो थोड़ा सा इस्लाम से कनेक्टेड था। तो उसी चीज पर स्मार्ट पाई हंस देते हैं एंड इसलिए यार जितने भी लोग यार थोड़े इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग यार काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे स्मार्ट पाई से। बेसिकली वो क्लिप क्या थी देखिए आप लोग। ओके आज से हम तीनों शपथ लेते हैं कि इस देश की सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं। प्रिया को छोड़ के अब्दुल तू क्यों हंस रहा है? Oh my God, भाई मैं मेरे को समझ नहीं है भाई मीम, बस खत्म करो भाई। जिसको समझ में आई है कमेंट सेक्शन में, कोई समझाएगा नहीं ठीक है एक दूसरे को, खत्म करो इस मीम को यहीं पे भाई, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। एंड इस क्लिप की वजह से काफी सारे लोग जो है वो स्मार्ट पाई से ऑफेंड वगैरह हो गए थे। आप लोग यार कुछ कमेंट्स वगैरह को भी देख पा रहे, बाकी आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो यार बस अभी के लिए न्यूज देने के जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग कनेक्शन में बता दूंगा, न्यूज सबमिशन की लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग वहां पर जाकर कुछ न्यूज को सबमिट करोगे तो यार डेफिनेटली मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं बताऊँ आप लोग को भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट, बाय बाय।